हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आ गई हूँ एक छोटे से ब्लॉग वीडियो के साथ। मतलब हम सब बैठे हुए थे बाहर, तो बहुत ठंड हो रही है, सोचा घर में हम क्या करें, और टीवी भी देखे थे, लेकिन टीवी फिर हमने मैंने सोचा कि जब घर पे ही आराम से बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं साथ में, तो कुछ कर लेते हैं। मैं कुछ सिखा देती हूँ मेरी बेटी को। और मेरा बेटा नीचे चला गया, वो इस टाइम नीचे चला जाता है अपने दादा दादी के पास, इस टाइम वो नीचे ही रहता है। तो हम तीनों ही थे, तो मैं सोचा आज मैं उनको बता देती हूँ। तो वो आपने देखा होगा ना, मतलब रोज़ बनाते हैं, जो फ्लावर बनाते हैं रोज़, तो उसको पेपर से जो बनाते हैं। तो मैंने सोचा मेरे पास पेपर भी था इधर, तो मैंने सोचा मैं अपनी बेटी को ये सिखा देती हूँ। तो अभी मैं पहले पेपर कट कर लेती हूँ, फिर कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगी, आप भी देख लीजिएगा। वैसे तो ये सबको ही आता है बनाना, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ठंडे बच्चों को बाहर तो भेज नहीं सकते, घर में कुछ ना कुछ करते रहो तो टाइम भी पास हो जाता है और कुछ सीख भी लेते हैं बच्चे। और 24 घंटे पढ़ाई पढ़ाई से तो इंसान बोर हो जाता है, बच्चे और करेंगे भी क्या? या तो पढ़ाई करते हैं या फिर खेलते हैं, खेलने वेलने के लिए घर में ही खेलते हैं। और आपको पता ही है मैं गली में जाने नहीं देती हूँ, और वैसे भी डर लगता है, कुत्ते भी बैठे होते हैं, कुत्ते ने काट लिया तो बस। एक बार काट लिया था, मतलब हमने घर में कुत्ता पाला था, छोटा सा पपी लेके आए थे हम, तो वो पता नहीं कैसे थोड़े दिन, वो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, तो वो उसने ना काटना शुरू कर दिया, तो उसने इसको काट लिया था मेरी बेटी को। तो फिर हम उसको वापस छोड़ के आ गए थे, हमने रखा नहीं था, क्योंकि हमने सिर्फ रख लिया था ऐसे ही, लेकिन जब वो हमारे बच्चों को ही, मतलब हमारे बच्चे सेफ ही नहीं है उसके साथ, तो मैंने इसको मतलब छोड़ना ही बेटर और लगा मुझे, तो इसलिए हम उसको छोड़ के आ गए थे। तो ये मैंने इसको देखिए स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, ये एक मैं मेरी बेटी को दे दूंगी और एक मैंने ले लिया है, ठीक है? तो अब हम इसको राउंड करके कट करेंगे, और ये भी छोटी है इसलिए मैंने इसको अभी सीजन नहीं दिया, तो पहले तो हम इसको राउंड ही कर लेंगे। करो साथ साथ, फ्रेंड्स मुझे येलो कलर बहुत पसंद है। वैसे मेरा फेवरेट कलर रेड है, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, लेकिन रेड के बाद मुझे येलो बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी जो ब्राइटनेस है ना कलर की, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। हाँ ठीक से, प्रॉपर राउंड तो नहीं है पर ठीक है, सीख लेगी धीरे धीरे। तो अभी इसको ऐसे काटना है, ऐसे ना अंदर, इसी शेप में काटते जाना है, मतलब इसको अलग नहीं हटाना है, जैसे जलेबी होती है ना जलेबी, उस तरह से इसको अंदर तक ऐसे राउंड करते जाना है। और फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहना, इसी में मैं बाद में स्वेलो वीडियो भी डाल दूंगी, आपको पता ही, मैं ब्लॉग के साथ डालती हूँ, थोड़ा ब्लॉग भी हो जाता है, आप लोगों से भी मेरी बातचीत हो जाती है, और ये भी हो जाता है। और ये जो कोना बचा था लास्ट में, इसको भी थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। देखिए ये कुछ अब ऐसा दिख रहा है, बस दिखाओ। हाँ ठीक है, ये थोड़े से कोने कट करने हैं, बस ये कोने हैं ना इनको निकाल देना, ये थोड़ा सा राउंड शेप में हो जाएंगे ऐसे। वैसे तो ये चीजें सबको ही आती है, पर ये है कि मतलब बच्चों को तो सिखानी पड़ती है ना। तो देखिए ये मेरी बेटी ने भी कर दिया है, देखो ठीक ही किया है, फर्स्ट टाइम किया है लेकिन ठीक किया है। तो फिर अभी एक जैसे कि पेन हो या पेंसिल हो, उससे क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, और इसकी जो ये है यहाँ पे, इसको ऐसे राउंड करना है ऐसे, बस थोड़ा सा करना है, और फिर इसको अपने आप ऐसे फिंगर की हेल्प से भी इसको राउंड राउंड करते हुए जाना है। मैंने ऐसे ही, आपने आपने देखा होगा, मैंने अपनी वॉच सजाई थी,
और मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी बना रखी है, जो शादी के कार्ड होते हैं ना, तो वो रेड कलर का जो कार्ड होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है रेड कलर वाला कार्ड। तो मैंने ऐसे बहुत सारे कार्ड जोड़ लिए थे, वो बहुत सारी चीजें बनाई है मैंने उसी से, फ्लावर बना बना के, उसके रेड कार्ड के फ्लावर बनाए, और कई सारी चीजें मैंने डेकोरेटिव बनाई थी, बहुत सुंदर बनी थी और सबको बहुत पसंद भी आई थी। एक चीज थी जो एक होता है ना, एक मैंने बनाया था की होल्डर बनाया था मैंने, अगर मेरे पास उसकी पिक पड़ी होगी तो मैं साइड में जरूर लगा दूंगी, क्योंकि अभी वो खराब हो गया है, क्योंकि मैंने उसको ना गत्ते से बनाया था, गत्ता होता है ना, गत्ते पे व्हाइट पेपर को कवर करके उसके ऊपर रेड गुलाब के फूल ऐसे ही बना के चिपकाए थे, और उनको चिपकाने के बाद ना फिर वो किया था उसमें कीज को हैंग करने के लिए मैंने उसमें लगाए थे, हैंगर लगाए थे, और फिर उसको हमने टांग रखा था, तो उसी पे सारी कीज टंगे रहते थे, तो उसमें क्या ना कीज के साथ साथ अपना सामान भी रखने लगे थे, वो गत्ते का बना हुआ था, एक बॉक्स के आकार में था, उसके नीचे की टंगती थी, ऊपर उसमें सामान रख लेते थे। तो मैंने सोचा था उसमें जब फोन चार्जिंग पे लगाते हैं ना, तो उसको ऐसे चार्जिंग पे लगा देंगे और उसमें रख देंगे, तो मैंने उसको वहां पे बोर्ड के ऊपर ही मतलब हैंग कर दिया था, लेकिन उसमें इतना सामान भरने लगे थे कि वो भारी होके ना वो टूट ही गया, तो फिर इसलिए मेरे को वो हटाना पड़ा। ये देखिए इसको चिपकाना भी होता है, देखिए कितना सुंदर गुलाब का फूल बन गया है, इसको बस ऐसे चिपकाना पड़ता है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं पास होके दिखा देती हूँ, देखिए बहुत सुंदर बनते हैं छोटे छोटे फ्लावर, और बहुत मतलब इनसे आप बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें बना सकते हो। मैंने अपने वॉच सजाई थी वॉल वाली, जो आपको मैंने दिखाई भी थी अपने ब्लॉग में, उसमें मैंने कलरफुल फ्लावर ब्लू पिंक येलो रेड बहुत सारे कलर के फ्लावर बना के तब उसको सजाया था, और एक साइड पे मैंने एक मोर बना के उसको कट करके उसमें लगाया था, बहुत ही सुंदर लगती थी वो, आपने देखी थी। बस इसको ऐसे करके ना इसको चिपका देते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सीख जाते हैं सब, और ज्यादातर लोगों को आता है, बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनको नहीं आता है, ये छोटे छोटे क्राफ्टिंग है सबको ही आती है, लेकिन बच्चों को सिखाना पड़ता है। आप भी अपने बच्चों को जरूर सिखाइएगा और मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है, आपको कैसा लगा ये। अभी मैं आपको सेलो वीडियो भी मैं इसी में कर दूंगी, जोड़ दूंगी बाद में, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला है कि आप अपने बच्चों के सामने ही मतलब मिट्टी खा लेते हो, तो ऐसा नहीं है, और ये भी बोलते हैं कि मतलब आपके बच्चे भी, देखिए इसने भी बना दिया है, थोड़े पेटल्स मुड़ गए हैं इसके, और देखिए बहुत सुंदर बना है ये, फर्स्ट टाइम ही बनाया है इसने, देखिए देखिए ये भी कितना सुंदर है, ये देखो आप, बहुत ही सुंदर लगता है सच में, और बच्चे सीख भी जाते हैं जल्दी, ये छोटी छोटी चीजें अच्छा लगता है, मतलब बच्चों को थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए। अभी इसको हम ग्लू से मतलब यहाँ पे सेट कर देंगे और रख देंगे, सूख जाएगा तो फिर इसको हम किसी चीज़ में डेकोर कर लेंगे, ठीक है। बताइएगा जरूर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है। हाँ पहले मैं आपको बता दूँ, मैं बता रही थी कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आप अपने बच्चों के सामने केले खा लेते हो और आपके बच्चे नहीं बोलते खाने के लिए, नहीं मेरे बच्चे कभी नहीं बोलते, मैं खा लेती हूँ उनके सामने, ऐसा नहीं है, मतलब वो तो अपनी अपनी वो हो गई ना, एक इच्छा हो गई, हम खाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे बच्चे भी खाएंगे ही खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं खाती हूँ मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, और ना वो कभी बोलते हैं खाने के लिए, और जो भी चीज़ें हैं मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड के सामने हैं, कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, तो सब कुछ पता है उनको, और ना ही मेरे को मतलब मैं झूठ बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती बिल्कुल भी, मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगता कोई भी चीज़ छुपा के करनी, सब कुछ मैं बता के ही करती हूँ। बस यही बोलना था, बताइएगा जरूर मेरा छोटा सा ये वीडियो कैसा लगा है आपको लेकिन अभी आप वो भी देखना क्रंची वीडियो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने मेरा व्लॉग वीडियो देख लिया होगा, देखिए मैंने पंजाब की मिट्टी के 2 बिस्किट लिए हैं, तो मैं अभी शुरू करती हूँ। ये रिक्वेस्टेड है, किसी ने बोला था कि पंजाब की मिट्टी सेलो करो,
आप लोग सोच रहे होंगे आज बोल ही नहीं रही। मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुकी हूँ। पंजाब की मिट्टी बहुत टेस्टी होती है यार। तो आप सोच रहे हो मैंने वीडियो कट क्यों कर दिया। मैंने वीडियो इसलिए कट कर दिया था कि मतलब मेरे हस्बैंड आ गए थे, अभी वो भारी हैं, तो मैं वीडियो पूरा कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी है ये। दो मैंने कर लिए, बड़ी बड़ी थी बहुत, आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया था, बड़े वाले थे, इतने बड़े बड़े थे। तो ठीक है, बताइए जरूर मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा है। अपना ख्याल रखिएगा, बाय फ्रेंड्स।